अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट दोस्तों हम 8 फरवरी के भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की बड़ी अपडेट को पहले हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। यूपी टेट एग्जाम 2021 की क्या खबर आ रही उसको देखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2021 उस पर बातें होंगी। DLED 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों का एक ही सवाल आ रहा है कि अभी और कितना समय लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होने में, उस पर भी बातें की जाएंगी। स्कॉलरशिप क्या अपडेट आ रही इसको देखेंगे कि कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और दोस्तों, स्कॉलरशिप परीक्षण ऑनलाइन इस समय चल रहा है, तो अगर आपने कुछ गलत भर रखा है फॉर्म में, तो सभी बच्चे ने वैसे गलत किया होगा क्योंकि उस समय आपका रिजल्ट आया नहीं था, अब आ चुका है, उसको आप सही कर लीजिएगा। स्कूटनी फॉर्म के लिए जल्दी करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, उसके लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन मतलब आवेदन कर लीजिए। एक और अपडेट आई थी, खंड शिक्षा अधिकारी चयन में OBC को 27% आरक्षण दिलाए जाने की मांग को लेकर। ठीक है, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा गया पत्र। जी हाँ दोस्तों, OBC आरक्षण, जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। 69,000 भर्ती में भी OBC को दोस्तों मतलब सही आरक्षण ना देने की शिकायत हुई थी, अब भी EO वैकेंसी में। तो गाइस ये देखिए आपके सामने विज्ञापन है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, तो यहाँ दोस्तों ये मैटर फंस रहा है। तो देखिए इस समय आरक्षण मुद्दा भी काफी ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि छात्रों का ये आरोप है कि अब इस समय सरकार में ठीक तरीके से आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे, यूपी के इन जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जनपद में ग्लेशियर के फटने से तथा ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना का बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति से सतर्क रहने के संबंध में दोस्तों एक आदेश जारी हुआ है, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी देखिए अपडेट आई है। ठीक है, अगली अपडेट क्या इसको जरा देखते हैं। 15,508 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अलग पोर्टल बनाने का मतलब काम लगभग पूरा हो चुका है, संशोधित विज्ञापन जल्द जारी होगा। तो गाइस ये जो वैकेंसी है वो हमारी TGT और PGT वाली वैकेंसी की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मौका वैसे BEd के छात्रों को दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपको बता दें अगर आप DLED के स्टूडेंट हैं तो गाइस आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट है तो आपने अपना रिजल्ट देखा होगा। जो दोस्तों आपके नॉर्मल परसेंटेज बने होंगे वो बहुत ही कम होगा, तो 84% होगा, तो 84 से लेकर दोस्तों आपके 90% के बीच में आपका स्कोर हो रहा होगा, या कुछ बच्चे 95% तक हो सकता है पहुँचे हो। लेकिन अगर आप BEd कर रहे होंगे तो गाइस आपने BEd के दोस्तों का परसेंटेज आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उनका 70% से लेकर 75% ही बनता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है गाइस, आप उनसे 1 से लेकर 2 उड़ान आगे चल रहे हैं, जब आपका नई भर्ती का मतलब विज्ञापन आएगा ना, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पता चलेगा कि नौकरी किसको पहले मिलती है। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा DLED के छात्र काफ़ी आगे रहेंगे, जो बच्चे DLED में पढ़ने में काफ़ी अच्छे। देखिए पेपर लीक हो रहा है, अगर आप पेपर लीक वाला पेपर देकर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत से मतलब अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, 90% तक पहुंच रहे हैं, तो गाइस डेफिनेटली आपकी नौकरी फिक्स है नई भर्ती में, क्योंकि DLED का रिजल्ट तो आप देख रहे होंगे। आपको ये सुनने को आता होगा कि 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर 2018 बैच का जो रिजल्ट है तो उसमें 50% से ज़्यादा बच्चे फेल थे। 2019 बैच का दोस्तों जो हमारा रिजल्ट है उसमें 70,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए, तो मतलब फेल होने वाले छात्रों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक बात और आपको पता चली होगी कि पेपर लीक हो रहा है, तो मतलब बहुत से ऐसे बच्चे पास हो जा रहे हैं जो कि अगर पेपर लीक ना होता तो शायद वो बच्चे फेल हो जाते। तो गाइस कहने का मतलब ये कि हर बार पेपर तो लीक होता नहीं है, लेकिन आजकल तो CTET का पेपर लीक भी हो जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है गाइस UPTET में SuperTET में। अगर ऐसे पेपर लीक होता रहा तो एक आम बच्चा नौकरी नहीं पा पाएगा, जो बच्चे खास होंगे या जिनके पास पैसा होगा या जिन तक पेपर पहुंचेगा सिर्फ उन्हीं बच्चों को मतलब पहले नौकरी मिलेगी, बाकी मेहनत करने वाले बच्चे पीछे रह जाएंगे। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत वालों को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर वही होगा ना कि जो आपका कंपटीशन दोस्तों जो नॉर्मली आप 150 में 100 नंबर पाकर नौकरी पा जाते, तो फिर वही आपके लिए दोस्तों 130 या 140 नंबर लाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होगा किसी भी छात्र के लिए। चलिए दोस्तों एक और अपडेट को देख लेते, क्या अपडेट आई थी। प्रशिक्षित स्नातक TGT व प्रवक्ता PGT 2020 के 15,508 पदों पर भर्ती के लिए अलग पोर्टल बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद संशोधित विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। चयन बोर्ड ने विधिक अड़चन के कारण 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, सोचिए 18 नवंबर को
विज्ञापन को निरस्त किया गया था। और आज दोस्तों हमारी जो तारीख है ना वो देखिए कितनी हो चुकी है, 7 या 8 तारीख हो चुकी है। ठीक है, या तो आप 8 तारीख को वीडियो देख रहे होंगे या तो 7 को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि इतना समय बीत चुका है, लगभग 3 महीना पूरा होने को आ चुका है, लेकिन अभी तक नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि सरकारी विभाग में काफी किस स्तर तक स्लो चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अगर दोस्तों सरकार यहाँ पर चाहेगी तो भाई ये विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार की मंशा मतलब नहीं है नौकरी देने का, तो फिर वही काम स्लो प्रोसेस में चलता रहता है। तो यहाँ सब कुछ सरकार को लेकर है, ठीक है ना। तो अगली अपडेट दोस्तों क्या जा रही है, इस अपडेट को देखिए, उत्तराखंड में कुछ इस समय क्या हुआ है, उत्तराखंड आपदा 1 घंटे तक दोस्तों नाचती रही मौत, जो भी सामने आया उसे लील लिया गया। उसके बाद अपडेट देखिए, उत्तराखंड आपदा लाइव, कुल 6 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है, सीएम रावत बोले लगभग दोस्तों 125 लोग लापता हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट है उत्तराखंड आपदा को लेकर। तो और भी जो अपडेट आती रहेंगी इस पर, वो अपडेट दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। 2017-18-19 बैच की अपडेट को हम हर वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए आपका पेपर कब होगा, डीएलएड चलती है सेमेस्टर डेट शीट 2021। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स से इसको हम अच्छे से इसको कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात होगी स्कॉलरशिप लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, कब से मतलब कब तक आपका पैसा बैंक अकाउंट में आना शुरू होगा। फिलहाल देखिए कोरोना का हमारा समय चल रहा है, ऐसी बात तो है नहीं, कोरोना पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना चल रहा है। तो फिलहाल ये मानकर चलिए दोस्तों अगले 1 से 2 महीने के बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट तक पहुँचना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल कुछ और समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, होली के आसपास स्कॉलरशिप दोस्तों आना शुरू हो जानी चाहिए। बाकी चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट 2021, तो गैस ये मान के चलिए कि मार्च से पहले रिजल्ट आना मुश्किल है, ठीक है। फरवरी में रिजल्ट उम्मीद काफ़ी कम है, तो मार्च से पहले आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मार्च तक आपको तैयारी करनी है, उसके बाद देखिए अच्छी बात क्या है कि 4 सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, अभी तक दोस्तों यूपी टेट के लिए भी मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं भर्ती तो दूर की बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ रही दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला होगा कि मार्च और अप्रैल, जी हाँ दोस्तों अप्रैल लास्ट तक चुनाव चलेगा, और आपके चुनाव के बाद ही दोस्तों यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। पहले दोस्तों यूपी टेट का पेपर हमारा 28 फरवरी को होने वाला था, जो कि आज हमारी 7 तारीख हो चुकी है। फिर उसके बाद हुआ कि 7 मार्च को यूपी टेट का पेपर हो सकता है, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। अब देखिए ये पेपर मई या जून में जा सकता है, अगर ऐसे ही लेट लतीफी होती रही तो दोस्तों वही होगा ना कि यूपी टेट का पेपर दिसंबर में चला जाएगा। तो गाइस अभी यूपी टेट का हमारा जो पेपर होगा वो यूपी टेट 2020 का होगा, 2021 वाला पेपर दोस्तों जो होना है वो तो दिसंबर में होगा ही होगा। तो अब यहाँ देखने वाली ये बात होगी कि पीएनपी क्या करती है, 2020 का ये नोटिफिकेशन लाते हैं कि 2021 का लाते हैं, क्योंकि डीएलएड में 2020 का जो सत्र है वो शून्य होने के कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड का देखिए हमारा 2019 का बैच आया था, लेकिन 2019 बैच के बाद अभी तक दोस्तों डीएलएड का 2020 का कोई नया बैच नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल खड़े हुए थे कि क्या होगा कैसे होगा। अब बात आती है दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट, हमने देख लिया कि मार्च से पहले जारी नहीं हो पाएगा, स्कॉलरशिप भी मार्च में आनी शुरू होगी, यूपी टेट एग्जाम 2021। तो गाइस आप यूपी टेट के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपको एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, फिलहाल बहुत ही जल्दी में कुछ नहीं होने वाला। तो ये मानकर चलिए दोस्तों कि मई जून में यूपी टेट का पेपर जा सकता है। अच्छी बात आपके लिए है ना कि आपको तैयारी का समय मिल रहा है, लेकिन अगर आप डीएलएड 2017 बैच के छात्र होंगे, जो कि मतलब बहुत ही पहले आपने इसको पास आउट कर लिया डीएलएड को, तो हो सकता है कि आप नाखुश हो, परेशान हो कि यार इतना ज़्यादा लेट हो रहा है। 2018 बैच के अगर आप छात्र होंगे, जो कि अभी आपका क्लियर हो रहा है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर तैयारी का समय दोस्तों मिल रहा है, जो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तैयारी का समय ना मिलता तो फिर आपके लिए दिक्कतें ज़्यादा होती। तो और भी दोस्तों जो अपडेट्स आएंगे वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे, फिलहाल आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी दोस्तों देखिए डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डेट शीट 2021। जी हाँ गाइस, काफ़ी बच्चे मतलब इसको लेकर परेशान है कि पेपर कब होगा। जी हाँ रोज मतलब काफ़ी मतलब बच्चे ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए अभी आपकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, और देखिए जीपीएफ के माध्यम से अभी फिलहाल आपकी इंटर्नशिप होनी है, क्योंकि आपका जो स्कूल खुल रहा है प्राइमरी स्कूल वो 1 मार्च से खुलेगा, कक्षा 1 से लेकर 5 वाला, 6 से 8 वाला दोस्तों वो 10 फरवरी से खुल रहा है, ठीक है, मतलब इसी सप्ताह दोस्तों स्कूल अब खुल जाएगा। तो फिलहाल 1 से 5 वाला 1 मार्च को स्कूल खुल रहा है, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही दोस्तों कुछ डिसीजन लिया जा सकेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। फिलहाल थर्ड सेमेस्टर की आप लोग तैयारी पूरी रखिएगा। देखिए आपका सवाल ये आ रहा था कि यूपी टेट की तैयारी करें कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की करें,
फिलहाल गाइस दोस्तों हम आपसे ये कहेंगे कि यार अभी आप लोग को अपना डीएलएड को ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि डीएलएड में अब जो पेपर आ रहा है ना वो काफ़ी कठिन आ रहा है। ठीक है, अगर आप डीएलएड को दोस्तों हल्के में लेंगे तो पेपर जब हार्ड बन जाएगा तो आप चाहकर भी पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको फेल होना ही पड़ेगा। तो अगर आप दोस्तों फेल होने से बचना चाहते हैं तो देखिए आपको बता दें SST, इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। बाकी मैथ तो आपकी हो ही गई है। इस बार दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में आपको संस्कृत मिलेगी। जिस हिसाब से इस बार पेपर तैयार किया गया था, गणित का, SST का और इंग्लिश का पेपर। अभी हम दोस्तों बात करें DLED फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, इंग्लिश इसमें ये तीन सब्जेक्ट मेन थे। तो गए तीनों ऐसे विषय थे ना जो बच्चे मेहनत करके नहीं गए होंगे, जिन्होंने पढ़ाई जीरो रखी होगी, वो बच्चे इस पेपर को पास नहीं कर पाएंगे, उनका फेल होना कन्फर्म है। अगर दोस्तों आप अच्छी मेहनत किए होंगे तभी आप इस पेपर को पास कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आप DLED 2019 बैच के छात्र, तो आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप पढ़ाई शुरू कर चुके हो तो आप लोग गणित को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, SST को भी दोस्तों नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बाकी संस्कृत, ये तीन विषय दोस्तों ऐसे होंगे जो कि आपको फेल होने से बचाएंगे। और देखिए सेमेस्टर बैक अगर आपकी लगेगी तो दोस्तों इन तीन में से एक ना एक विषय में आपकी बैक जरूर होगी। तो आज से ही आप लोग लग जाइए, और साइंस का पेपर भी कभी कभी कठिन आ जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। बाकी दोस्तों कुछ ये चीज़ें आई हैं, इसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो गाइस उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई है, बाकी ध्यान देना, और OBC आरक्षण वाला मैटर भी फंस रहा है, तो जो बच्चे OBC कैटेगरी के उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनके आरक्षण में भेदभाव हो रहा है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर आने वाली भर्ती में आपके आरक्षण के साथ दोस्तों अगर ऊपर नीचे होगा फिर आपके लिए दिक्कत होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और थर्ड सेमेस्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छे से करिएगा, अगर आप उसको हल्के मिलेंगे तो डेफिनेटली आप फेल होंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।